ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां कॉलेज की फीस जमा करने जा रहे दो युवाओं की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां आवारा पशुओं का आतंक होने से कस्बे सहित क्षेत्रवासी परेशान, और बताएंगे कैसे सहारनपुर में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दो शातिर चोर हुए गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए मोबाइल व अन्य सामान बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमरोहा से है, यहाँ तेज रफ्तार बोलेरो ने फिल्मी अंदाज में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को हवा में उड़ा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि नई मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। उस पर सवार दोनों युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची नोगावा पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है हादसे के बाद बोलेरो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उसके चालक को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर बोलेरो को सीज कर दिया है और साथ ही आगे की नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। सर, इधर से क्या अमरोहा की तरफ से गाड़ी जा रही थी बोलेरो, उसने रॉन्ग साइड जाके उनके सामने टक्कर मार दी और वे दोनों अपने कॉलेज में आ रहे थे कॉलेज की फीस जमा करने के लिए। क्या क्या नाम है उन दोनों के? एक का अंजीत पाल, एक का प्रशांत पाल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अदरपुर समझो तो थाने में है, पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले रखी है। आपको कैसे पता चली? पता चली हमें तो सूचना मिली थी कि ऐसा आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अदलपुर संधू। अच्छा, थाने आए हो, आप क्या मामला है? हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, हम थाने आए हैं अपनी उसके लिए शिकायत के लिए। अब देखते हैं साहब क्या होता है। कितने युवक सवार थे बाइक पर? दो। दोनों की मौत हो गई? दोनों की, हैंड टू हैंड। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर बकानी से है, यहां आवारा पशुओं का आतंक होने से कस्बे सहित क्षेत्रवासी परेशान हैं। सब्जी मंडी परिसर में खुला नाला के पास हुई मोडी ग्राम निवासी गीताबाई पत्नी मोहनलाल लोधा मोडी निवासी आम का बिलचान कर रही थी। उस वक्त दो नंदी आपस में भिड़े और महिला के पास आए तो महिला घबरा गई, हड़बड़ाहट में खड़ी हुई, पीछे नाले का ध्यान नहीं रहा, भागने पर नाले में जा गिरी। उक्त नजारा देखने वाले कस्बे नाले में गिरी महिला को चोटी पकड़कर बाहर निकालकर शमी पत्र लक्ष्मी परिसर में लगी ट्यूबवेल से महिला को नहलाया गया। नाले में गिरी महिला को कोई चोट खरोच नहीं आई है, लेकिन महिला बाल बाल बची। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, यहां पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि मवेशी तस्कर पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर लगाकर तस्करी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करने और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं मुखबिर से सूचना मिली कि पोरतेंगा रोड से साई टांगर टोली होते हुए झारखंड की ओर एक पिकअप वाहन मवेशियों को भरकर तस्करी करते हुए ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में टीम बनाकर रवाना की गई। टीम द्वारा ग्राम पिलखी के पास नाकाबंदी की गई। मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन पुलिस को देखकर तेज गति से पिलखी की ओर भाग रहा था। उक्त वाहन के पहिए को पुलिस ने पंचर कर दिया, जिससे वाहन का चालक कुछ दूर जाकर वाहन को खड़ी कर वहां से भाग गया। वहीं वाहन में कुल 9 नग मवेशी बरामद कर सुरक्षार्थ रखा गया है। थाना लोदाम में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पशु परिवहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। जसपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और चूंकि ये पशु तस्कर बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए उन्हें रोकने के लिए एक नई तकनीक का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें उनकी गाड़ी को पंचर किया जा रहा है और पंचर के बाद भी ये गाड़ी को बहुत स्पीड में भगाते हुए लेके गए हैं। इनका गाड़ी का नंबर आ गया है, ड्राइवर का नाम पता चल गया है, उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस पार्टी हमारी रवाना हो गई है और बहुत जल्द इसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। आज जो गाड़ी मिली है उसमें 9 जानवर मिले हैं और ये लगातार अभियान चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने 2 ऐसी कार्रवाई की थी और इन पशु तस्करों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। लगातार इस तरह का अभियान जारी रखा जाएगा। इनके खिलाफ में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, आगे एक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, यहाँ आसमान से आग बरस रही है। टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री, वहीं गर्म हवा और तेज धूप से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी के कारण छात्र छात्राएं बेहोश हो रहे हैं तो कहीं शिक्षिका बेहोश हो रही हैं, जिसको देखते हुए भभुआ नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने कैमूर डीएम से स्कूलों को बंद करने की मांग की, ताकि भीषण गर्मी और गर्म लू थपेड़ों से बच्चों को बचाया जा सके। देखिए, मामला ये है कि
सबसे पहले गर्मी का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री है। इस पे हमारे फोन द्वारा शिक्षक हमसे पूछे, कुछ बच्चे भी हमारे पास आए थे कि स्कूल आप बंद कराइए। हमने डीएम साहब से इस पे बात किया और उनसे बोला कि 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है, आप बच्चों का स्कूल बंद करा दीजिए। बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी बीमार हो जा रहे हैं। हम बस यही अपील करना चाहते हैं यहाँ के पूरे शिक्षा विभाग से और डीएम साहब से भी बार बार अपील किए हैं कि इतनी बड़ी टेम्परेचर में आप स्कूल बंद कराइए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे शिक्षक सुरक्षित रहे। टेलीफोन से वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ हम इस पे बात करके स्कूल बंद कराएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दुशातिर चोर अमान सैयद पुत्र अजमल अली निवासी मोहल्ला गुलबहार वली गली खाना आलमपुरा थाना जनकपुरी और आसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 9 नए मोबाइल फ़ोन, एक अदद पुराना फ़ोन, हेडफोन, 3 पैकेट में चार्जर, 3 पैकेट डाटा केबल अमाती कंपनी, 1 पैकेट ब्लूटूथ नेक बैंड को बरामद किया गया है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर बकानी से है। यहाँ थावर समाज के द्वारा एक दूसरे पर जमीनी कब्जे के विवाद में पथराव करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, हालात बेकाबू देख कुछ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वहीं थाना कोतवाली थाना झालरा पाटन समेत अन्य थानों के जातकों को दिया गया तैनात। एक व्यक्ति को केवल कंबल में अवैध हथियार कर चौकीदार बंदूक ले जाते किया गया गिरफ्तार। जगदीश नवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामला दर्ज कर लिया है। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 29 मई से 2 जून तक भोपाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को घुटन महसूस हो या अचानक तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, रूम के अंदर दरवाज़ा खोल कर रखें ताकि वेंटिलेशन ना रहे। वहीं मोबाइल का प्रयोग कम करें, मोबाइल फटने की संभावना जताई जा रही है। कृपया सावधान रहें, लोगों को सूचित करें। दही मट्ठा बेल का जूस आदि ठंडे डीएक्स पेय पदार्थ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। भोपाल से सीनियर संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से आ रही है। यहाँ यमुना पार जौन से निकलकर आ रही शंकरगढ़ थाना पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी सफलता। 3 लुचोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक कार, 2 बाइक सहित अन्य चोरी के सामान बरामद किए गए। डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा नरेंद्र पांडे और एसओजी प्रभारी यमुना पार के नेतृत्व में एसपी 12 के साथ शंकरगढ़ पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक कार, 2 मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किए गए हैं, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उद्घाटन समारोह में मनुस्मृति के खिलाफ स्टंटबाजी के दौरान मानसिक रूप से बीमार जितेंद्र अवार्ड ने होश खो दिया और भाजपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को 4 टुकड़ों में फाड़ दिया। कहा, मेरे दलित भाइयों का अपमान करने के लिए भाजपा के प्रदेश महासचिव संजय कानेरकर ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की, मांग की कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या महाडच्या 14 तळ्याजवळ शरद पवारच्या बगलबच्चा ढोंगी आणि मनोरुग्ण असलेल्या जितेंद्र आव्हाडाने जो स्टंट मनुस्मृतीच्या विरोधात करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो, त्याचे 4 तुकडे करण्याचं काम केलं। अशा वेळेस त्यांचा कार्यकर्ता त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत होता, पण भान हरवल्या मनोरुग्णाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो पाडून या राष्ट्राचा अवमान केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान केला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर प्रेम करणाऱ्या सर्व जनतेचा अपमान केला, माझ्या दलित बांधवांचा अपमान केला। म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा प्रदेश महामंत्री या नेत्याने मी या कृत्याचा निषेध व्यक्त करतो आणि या शरद पवारच्या बगल बच्चाचा सुद्धा निषेध व्यक्त करतो। निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर प्रेम करणारी जनता यांना माफ करणार नाही आणि महाराष्ट्रात हा जिथे दिसेल तिथला वाट तिथे त्याच्या तोंडाला काळे लावून त्याचे कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही, आणि त्यामुळे सर्व जनता आज याच्यावर गुन्हा दाखल करून
याला अटक करण्याची मागणी करत आहे। परत याचा एकदा निषेध व्यक्त करतो। जय हिंद। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर संभल से है। यहाँ सिरसी कस्बे में जगह पर लोगों को शरबत पिलाई गई। मोहल्ला बुद्ध बाजार में चांद बाबू ने अपने साथियों के साथ पंडाल लगाकर लोगों को शरबत पिलाया। दूसरी तरफ रोडवेज बस स्टैंड पर नाजीर सैफी ने अपने साथियों के साथ स्टॉल लगाकर शरबत पिलाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने दादा मखदूम साहब के मज़ार पर स्टॉल लगाकर इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत दिलाने के लिए खुद चिलचिलाती धूप में पिलाया। आपको बताते चले कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का धूप में निकलना तथा रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है। जबकि मौसम विभाग का कहना है कि भीषण गर्मी से अभी कई दिन और राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। शरबत पिलाने वालों में वरिष्ठ लिपिक रईस अहमद, मोहम्मद रफ़ी अहमद, मोहम्मद इस्लाम तनवीर, हैदर चांद बाबू खान आदि मौजूद रहे। चेयरमैन साहब, आज आपको जो है तीसरा दिन है शरबत बांटते हुए, और जबकि उत्तर प्रदेश का जो मौसम विभाग है उनका ये लगातार कहना है कि जो भी दिन है उसमें तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, तो आप लगातार इस तपती हुई धूम में जो है लोगों को शरबत पिला रहे हैं और अपने हाथों से बच्चों को भी शरबत पिलाया, तो आपका जो ये प्रोग्राम है ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, हमें जो है देख ही रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कितना आज यहाँ पर 47-47 तापमान होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कोशिश हो ठंडा पानी पिलाएं, परिंदों को पानी पिलाएं, जहाँ जितनी भी कोशिश हो सकती है सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें और ठंडा पानी पिलाते हैं। मेरी नगर पंचायत की तीसरी सभी रही है, अभी पहले रोडवेज पे थी, फिर टंकी चौराहे के ऊपर थी, आज दादा मुख साहब के ऊपर यहाँ पर है, और मैं अभी 2-3 दिन और लगाऊंगा शरबत। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश यह है, सारी जनता से सिरसी की, जहाँ तक कोशिश हो सब लोगों को पानी पिलाएं, ठंडा है, जल ही जीवन है। तो मैं जहाँ तक कोशिश है मैं राहत की कोशिश करूँगा, बच्चों को बड़ों को सब लोगों को शरबत पिला के एक राहत की सांस ले लें। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।